ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑप्शन में एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका अनुपात 5:9:25 है, कुल धन 1008 रुपये हैं, तो 25 पैसे सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करें, देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनका अनुपात है 5:9:25 और ये कितने रुपये, 1008 रुपये है, ये क्या है रुपये। तो अपनों रुपये में बदलने के लिए 1 रुपये में 1 का सिक्का होता है, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 1 रुपये के 4 सिक्के होते हैं, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे अपन, ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा यह हो जाएगा, 2 का गुणा यह करेंगे तो 2 का गुणा यह हो जाएगा, ये 4 ठीक है। तो 5 चौक 20, 9 दूनी 18 और 25 तो 8 5 13 के 3, 1 3 1 4 2 6 63/4 एक्स 1008/1 और एक्स बराबर होगा 1008/63 × 4 हो जाएगा, छ 16 48 16 देखो 16 बार कटेगा 63 16 48 का 8 हासिल है, 4 16 5 16 96 4 यानी कि 16 बार कट जाएगा और 16 चौक कितना आ जाएगा 64 16 48 का 8 हासिल है, 4 16 5 16 96 4 100 ठीक है। तो 16 चौक 64 यानी कि एक से बराबर कितना, 1 अनुपात का मान कितना कि अपने 64 आ गया। तो अपने 25 पैसे का तो 25 × 64 25 चौक 100 हासिल है, 10 25 150 16 10 160 यानी कि 1016 600 सिक्के हो जाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों।